हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीट ऑडियो प्रिपेयर सर्किट। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2SC बाउंसर और 2SC1943 लगा हुआ है। और दोस्तों ये जो सर्किट है, मैंने दो प्रिंट निकाले थे ताकि मैं इसको स्टूडियो बना सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक पेयर ट्रांजिस्टर और एक पेयर स्टेज लगा बाकी है, तो ये स्टूडियो हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बूफर के लिए, यानी कि जो 7294 की पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, 2.1 प्री एम्प जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और सेम सारा कुछ सेम है, बस 7294 यानी कि जो पहले मैं ये किट यहाँ पे लगाया हुआ था, तो इसको निकाल के मैंने ये वाली यानी ट्रांजिस्टर वाली यूज़ की है। और दोस्तों इसमें जो है हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो 7294 ज़्यादा हीट भी होता है और ये जो है हीट नहीं होता है दोस्तों। तो ये आप यूज़ करते हैं 7294 की जगह पर तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसकी जो पंच है काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप जानते हैं ट्रांजिस्टर की पंच हमेशा अच्छी होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ सेटेलाइट के लिए, यानी कि लेफ्ट और राइट के लिए। तो चलिए दोस्तों इसकी साउंड मैं आपको दिखाता हूँ, और ये जो है स्टूडियो बना के भी दिखाऊंगा। और इसकी फ्लैट साउंड आपको सुननी है तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि फ्लैट साउंड भी इस वीडियो में साथ में अटैच कर दूँ। तो चलिए देखते हैं, ये प्री एम्प 2.1 का, और ये जो है इसकी जो आउटपुट है बूफर की आउटपुट वो मैंने इसमें फीड किया है। और ये मैंने सेपरेट सेपरेट दो हीट सिंक का यूज़ करके इसको लगा दिया है। और अगर आप कैबिनेट यूज़ करते हैं मेटल की, तो आप इसको इंसुलेटर यानी कि माइका सीट इसके जो बैक साइड में लगानी होगी, और हीट कंपाउंड वो भी लगानी होगी। तो वैसे ज़्यादा हीट भी नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए साउंड देखते हैं। ये दोस्तों अभी फ्लैट साउंड मतलब जो लेफ्ट राइट की साउंड है इसके थ्रू कंट्रोल हो रही है, तो देख सकते हैं। और ये दोस्तों बूफर के लिए है, तो बूफर की साउंड भी इसके ऊपर डिपेंड करेगी। इसकी देख सकते हैं दोस्तों, इसकी वॉल्यूम जितनी आप रखेंगे उसी हिसाब से बूफर की भी साउंड कंट्रोल होगी, यानी कि 2.1 प्री एम्प है ये। तो दोस्तों आपको साउंड इसकी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और पिछली वीडियो में जो फाइल्स है वो अपलोड हो चुकी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और अगली टेस्टिंग लाने की मैं जल्द कोशिश करूँगा। यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन ऑन होता है, तो मैं आपको और भी हैवी से हैवी और अच्छे सेटअप के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो
अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।